राम राम भाई सारे भाइयों ने। तो आज की जो वीडियो है वो स्पीति के ऊपर होने वाली है। आप इसको एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी बोल सकते हो, क्योंकि इसमें मैं आपको बताऊंगा कि मेरा स्टे का कितना खर्चा आया, फूड का कितना खर्चा आया और पेट्रोल मेरा कितना लगा और हम अपना टेंट कहाँ कहाँ लगा सकते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन मेरे पास आए हुए हैं, तो मैंने सोचा एक वीडियो बना देता हूँ स्पीति के ऊपर। और दोस्तों इस वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ आपसे मैं बातें करना चाहता हूँ। मैंने अपनी पिछली वीडियोज में, दो तीन वीडियोज में मैंने अपना नंबर दिया हुआ है, और मैंने नंबर देने के साथ साथ आपको ये भी बोला था आप मेरे को सिर्फ व्हाट्सअप करो, मैं आपको ग्रुप में ऐड करता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि आपने नंबर लिया और नंबर लेते के साथ आपने फोन घुमा दिया, भाई हाँ भाई जांगड़ा जी कैसे हो, ये है वो है। अगर आप मेरे को कॉल भी कर रहे हो तो मेरे को इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तो कॉल इस टाइम पे करो। मैं आपको एक टाइम बताता हूँ कि 12 से 5 बजे के बीच में आप मेरे को कॉल कर सकते हो। अब काफी सारे भाई ऐसे भी हैं जो बोलते भाई कि भैया जांगड़ा जी मैं तो सुबह 6 बजे उठता हूँ, तो यार मैं सोचा मैं फोन मिला लेता हूँ, आप भी फ्री हो गए तो भैया कोई मतलब नहीं है मेरे को, रात के 11 बजे भी फोन आ रहे हैं भाई। तो ऐसा ना करो यार, देखो अगर आप ऐसे ही करते रहोगे तो मेरे को नंबर बंद करना पड़ेगा और कुछ इसका इलाज है नहीं। तो भैया मैंने आपको जो नंबर दिया वो इसलिए दिया है, मैं आपको बता देता हूँ, कभी भी आप मेरे साथ राइड पे चलते हो, मीटअप राइड जैसे मैं करता हूँ, तो उस टाइम आप मेरे को कॉल कर सकते हो। बाकी इतना देखो कोई अर्जेंट काम होता नहीं है कि आप नंबर देखा और नंबर फोन घुमा दिया। बाकी आप मेरे को कॉल करो 12 से 5 के बीच में, आप मेरे को कभी भी कॉल कर सकते हो, पर 5 या मैक्सिमम 6 बजे, 6 बजे के बाद मेरे पास आप कॉल मत करना, मैं नहीं उठा पाऊंगा। आप बोलोगे भाई आपने नंबर दिया और नंबर नहीं उठा रहे, आप भी जो है बाकी यूट्यूबर्स की तरह हो गए हो। और कई भाई तो ऐसे भी हैं, मतलब मैं फोन नहीं उठाता हूं तो भाई साहब 10-10 बार कॉल करेंगे लगातार। देखो यार ऐसा मत करो, आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं ऐसा मत करो। बाकी जो इंस्टाग्राम पे हूं मुझको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, यहीं कहीं मेरा हैंडल भी आ रहा होगा। दोस्तों बस यही एक रिक्वेस्ट थी आप लोगों से, तो मैं होप करता हूं कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा जो मैं कहना चाहता हूं। दोस्तों ऐसा है, मैं अगर आपसे ऐसे ही बात करता रहूंगा तो आप शायद बोर भी हो सकते हो, तो आप बोर ना हो इसलिए मैं अपने आपको कर लेता हूं थोड़ा सा छोटा। इस वीडियो जो आपको स्क्रीन दिख रही होगी तो कहीं मैं आपको दिख जाऊंगा छोटा सा। तो राइड की शुरुआत होती है दिल्ली से, दिल्ली से मैं गया था अम्बाड़ा, अम्बाड़ा हम रुके थे 2 से 3 दिन, तो वो दिन मैं काउंट नहीं करूंगा। अम्बाड़ा से हमारी मेन राइड स्टार्ट होती है, अम्बाड़ा से निकलने के बाद हम पहुंचे थे रामपुर। रामपुर में हमने टेंट लगाया था, एक छोटा सा ढाबा टाइप आप कह सकते हो, वहां हम रुके थे और उस टाइम में 7 के आसपास टाइम हो रखा था, तो हमने सोचा भाई यहीं रुक जाते हैं, हमने अपना टेंट भी लगाना है तो टेंट लगाने में लगेगा टाइम। तो वहीं उसी ढाबे पे हमने अपना खाना वाना खाया था, उसी ढाबे वाले से हमने बात करी थी कि हम यहाँ पे अपना टेंट लगा सकते हैं या नहीं, क्योंकि वो जो जमीन थी वो उसी की थी। तो हमने उनसे पूछा कि हम अपना टेंट लगा सकते हैं या नहीं, तो बोला लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप आराम से रुको सो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और टेंट लगाने के जो ढाबा वाला है उसने हमसे कोई भी चार्ज नहीं लिया। और दोस्तों जो खाने का खर्चा है वो मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, टोटल करके आपको बताऊंगा मैं। बाकी अभी जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगी तो मैं अपना स्टे का एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूंगा। तो रामपुर से अगला हमारा स्टे था रेकोंगपियो। रेकोंगपियो हम पहुंचे थे रात को 9 बजे के करीब, तो काफी भागदौड़ करने के बाद हमें 500 रुपए में एक रूम मिला था, हमने होटल लिया था, तो 2 रूम हमने लिए, ये हो गए 1000 रुपए, और 1000 को आप 5 से डिवाइड करोगे तो 200 रुपए पर बंदा इसका खर्चा है स्टे का। दोस्तों मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि आप कहीं अगर बाहर जाओ तो टाइम से पहुंचो, 7 या मैक्सिमम 8 बजे तक पहुंच जाओ, लेकिन भैया हमारी तो आदत बन चुकी है कि भाई कहीं भी जाएंगे तो लेट जाएंगे, सुबह उठना है लेट उठना है, तो भैया आप ऐसा मत करना, आप टाइम से पहुंचना कहीं भी जाओ। और अगले दिन रेकोंगपियो से चलने से पहले हम गए थे कल्पा। कल्पा का जो सनराइज है वो दोस्तों काफी अच्छा है, देखने लायक है, क्योंकि रेकोंगपियो आते ही इसलिए है वो कल्पा का सनराइज देख सके। काफी सारे बंदे जो होते हैं डायरेक्ट कल्पा जाते हैं, रेकोंगपियो नहीं रुकते हैं, और काफी बंदे जो है रेकोंगपियो रुकते हैं, क्योंकि अगर आप कल्पा में जाओगे कल्पा में आपको जो है होटल वगैरह बहुत महंगे मिलेंगे, क्यों, और रेकोंगपियो में आप रुकते हो तो आपको सस्ता बढ़िया आपको होटल मिल जाएगा, जैसे मैंने आपको अभी बताया 500 रुपए में एक रूम। और दोस्तों रेकोंगपियो की एक बात मैं आपको बता देता हूँ, यहीं से आप अपना बाइक का टैंक जो फुल करवा लो, क्योंकि काजा तक आपको कोई भी पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा, मतलब ये भी आप लगा सकते हो कि 350 के करीब आपको कोई भी पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा काजा तक, और रेकोंगपियो में ही शायद आखिरी एटीएम आपको मिलेगा, रास्ते में काजा तक मिले ना मिले, तो यहीं से आप अपना कैश भी निकलवा लो और अपने जो बाइक की टंकी है उसको भी फुल करवा लो। तो रेकोंगपियो से अगला हमारा स्टे था पूपू में, भी हमने अपना टेंट लगाया था, तो रास्ते में अपने फौजी भाई मिल गए थे, तो फौजी भाई से हमने पूछा कि हम अपना टेंट कहाँ लगा सकते हैं, वो कह रहे थे कि भाई ऐसे ऐसे रास्ता जाएगा ऊपर की तरफ एक पार्किंग आएगी, तो पार्किंग में आप अपना टेंट लगा सकते हो, वहाँ पे खुली जगह है
और आसपास में कोई घर वगैरह भी नहीं है। और रात को हम अच्छी तरह से अपना खाना वाना खा के आराम से सो गए थे। और सुबह हमारे साथ जैसे हम चलने वाले थे, अपना हम बाइक वगैरह सब रेडी कर चुके थे, अपना सामान वगैरह बाइक पे बांध चुके थे, और उसी टाइम एक सांप आता है भाई। वो शुक्र है कि भाई वो जो सांप है वो रात को नहीं आया, मतलब कह सकते हो भगवान का शुक्र है। कुछ भी हो सकता था, रात को हम सो रहे भाई, वो टेंट के अंदर घुस जाए, उसको तो थोड़ी सी जगह चाहिए होती है सांप को। आपको भी कैंपिंग करने का शौक है तो थोड़ा बहुत जिगरा आपके अंदर भी होना चाहिए कैंपिंग करने का, क्योंकि कैंपिंग में भी रिस्क होता है, बहुत रिस्क होता है। क्योंकि जो आप कैंपिंग करते हो वो खुले एरिया में करते हो, और आसपास पहाड़ों में तो आपको कुछ कह नहीं सकते कि जंगली जानवर कुछ भी आ सकता है, सांप वगैरह जैसे अभी मैंने आपको बताया। और दोस्तों आप पीछे भी वीडियो देख रहे होगे स्नेक की, ये सही में है, मैं कोई मतलब अपनी तरफ से बात बना के नहीं बोल रहा हूँ, ये जो मेरे साथ हुआ वो मैं आपको बता रहा हूँ। पू से निकलने के बाद हम रुके थे अगले दिन हुरलिंग। पू से जैसे ही आप निकलते हो तो रास्ते में आता है नाको। नाको गांव है एक, वहाँ पे एक नाको लेक भी है और एक नाको हेलीपैड भी है। तो ये दो चीज है वहाँ पे देखने की। कैफे वगैरह भी है वहाँ पे जो राइडर्स के लिए बने होते हैं, राइडर्स कैफे। पू से हुरलिंग तक आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, ये दो चीजें हैं। हुरलिंग में हमने लिया था दोस्तों डोरमेट्री, वो हमें पड़ा था 100 रुपए पर पर्सन हमारा खर्चा आया था। दोस्तों ये जो डोरमेट्री होते हैं ये आपको बहुत सस्ते पड़ते हैं, 100 से 150 रुपए में आपको जो है डोरमेट्री मिल जाएंगे। काफी जगह ये अवेलेबल होते हैं, आपको काजा में भी शायद मिल जाएंगे ये, मैंने सुना है। हुरलिंग से निकलने के बाद हमारा अगला स्टे था धनकर। हुरलिंग से निकलने से पहले हम गए थे ग्यू विलेज। ग्यू में है आपको एक ग्यू मोनेस्ट्री आपको देखने को मिल जाएगी, और उसी के साथ में है जो बताते हैं 500 साल पुरानी मम्मी है। और जैसे पीछे वीडियो में भी देख रहे हो कि जो भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ वो सब आपको पीछे वीडियो में मेन स्क्रीन पे दिख भी रहा है। ये दो चीज है आप देख सकते हो, ग्यू मोनेस्ट्री और ये मम्मी 500 साल पुरानी इसको बताते हैं। ये सब देखने के बाद हम रुके थे धनकर। धनकर में जो है हमें एक छोटा सा ढाबा टाइप दिख गया था, उसके आगे खुली जगह थी। तो हमने उस ढाबे वाले से बात करी कि भाई हम अपना टेंट यहाँ लगा सकते हैं, तो बोला कि लगा सकते हो लेकिन जो खाना है वो हमारे ढाबे से ही आपको खाना पड़ेगा, आप टेंट लगा सकते हो। वहां भी हमारा टेंट जो है फ्री में लग गया था, हमारा स्टे का कोई खर्चा नहीं आया था, फूड का खर्चा आया था, वो मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। धनकर से हम गए पिन वैली। पिन वैली में एक गांव है मुद विलेज, तो मुद विलेज तक हम गए थे। उससे आगे जो है रास्ता बंद था, काफी ज्यादा बर्फ होने के कारण हम आगे नहीं जा पाए, तो वहीं से हमने वापसी करी और काजा पहुंचे। काजा में लिया था हमने होम स्टे, और होम स्टे हमें पड़ा था एक रूम 600 रुपए, हमने दो रूम लिए तो 1200। अगले दिन हमने एक्सप्लोर करा था काजा। काजा से हम गए थे हिक्किम, कोमिक और लांगजा। हिक्किम में आपका वर्ल्ड हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस है, और जो कोमिक है वो वर्ल्ड हाईएस्ट विलेज है। विलेज की पॉपुलेशन जो है 300 के आसपास है बस, और ये वर्ल्ड हाईएस्ट विलेज है कोमिक। फिर अगले दिन हम गए थे काजा से किब्बर। काजा से जो किब्बर की दूरी है वो कुल 20 किलोमीटर है। तो आप भी सोच रहे होंगे कि एक दिन में यार 20 किलोमीटर। जो अगला दिन था उस टाइम जैसे मैंने अपनी बाइक स्टार्ट करी तो बाइक स्टार्ट नहीं होती, कुछ दिक्कत आ गई थी बाइक में। अगर आपको वो वीडियो देखनी है क्या दिक्कत आई थी, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो किब्बर में भी हमने होम स्टे लिया था, वो होम स्टे थोड़ा सा हमें जो महंगा पड़ा था 600 रुपए पर पर्सन, ब्रेकफास्ट भी था और डिनर भी था 600 रुपए में। किब्बर भी हम दोस्तों लेट पहुंचे थे, 9:30 या 10 के करीब टाइम हो गया था। किब्बर में जो होम स्टे का ओनर था उससे हमारी काफी सारी बातचीत हुई, वो बोल रहा था कि हम 800 रुपए आपको पर पर्सन लगाएंगे, लेकिन भाई हम काम आने वाले थे, हम तो थोड़े से रेट तो कम करवाने ही थे। बेशक से थोड़ा जो टाइम है वो ज्यादा हो रखा था, 9:30 के करीब 10-15 मिनट ऐसे हो गए हमें बातचीत करते। तो उसने खुद ही हमें बुलाया, वो बोला कि भाई हम लास्ट आपको 600 रुपए तक लगाएंगे। तो 600 रुपए में रात का डिनर भी हो गया और सुबह का ब्रेकफास्ट भी। किब्बर से अगले दिन हम गए कुंजुम टॉप, वहां पे दिखी भाई हमें बहुत सारी बर्फ। उस बर्फ को देख के ऐसा लग रहा था कि किसी ने पहाड़ पे सफेद चादर बिछा रखी हो। जो कुंजुम से आगे का रास्ता है वो बंद था, तो कुंजुम से हमें वापसी आना पड़ा काजा। तो काजा में फिर हमने वही होमस्टे हमने लिया। अगले दिन हम गए धनकर। मैंने आपको बताया कि हम रुके थे धनकर, तो उस टाइम क्या था, हम धनकर विलेज नहीं गए थे, ना ही हमने धनकर मोनेस्ट्री देखी थी। तो वापसी में हमने धनकर विलेज देखी और धनकर मोनेस्ट्री, वो देखने के बाद फिर से हम वापस रुके हुरलिंग में। तो हुरलिंग में भी हमने वही डोरमेट्री लिया था। हुरलिंग से हमारा अगला स्टे था सांगला के। सांगला में हमने एक ही रूम लिया था, वो रूम हमें पड़ा था 500 रुपए में, तो ये 100 रुपए हमारा खर्चा आया था। तो सांगला से निकले, चिटकुल देखा हमने, चिटकुल के बाद हम वापसी में रुके थे टापरी। वहां पे हमने लिया था कुछ सरकारी गेस्ट हाउस, वो हमें पड़ा था 600 रुपए एक रूम, तो हमने दो रूम लिए। तो टापरी से आगे हम डायरेक्ट आए थे हम अंबाड़ा। दोस्तों ये थी हमारी 13 दिन की जर्नी। तो अब बात करते हैं किलोमीटर, 2000 के समथिंग था हमारा, 2000 के एप्रोक्स। तो 2000 में अब बात करते हैं कितना पेट्रोल लगा। तो 2000 में मेरा जो पेट्रोल लगा वो 3500 के आसपास लगा था। तो स्टे में ऐसा है दोस्तों, हमारी 13 दिन की राइड थी, तो 13 दिन में 3 दिन हमारा फ्री था, हमने टेंट लगाया था। ये 3 दिन आप निकाल दो तो 10 दिन बचते हैं। 10 दिन में जो मेरा स्टे का खर्चा आया वो 2000 आया, 2000 स्टे का हो गया और 3500 पेट्रोल के। दोस्तों फूड का मैंने आपको बताया अपनी पिछली लद्दाख वाली वीडियो में, मेरा जो खर्चा होता है वो मैक्सिमम 150 होता है,
शायद मैंने उस वीडियो में आपको 200 तक बताया शायद मैक्सिमम, लेकिन 150 तक हमारा मैक्सिमम खर्चा हम करते हैं पर पर्सन पर डे का। तो दोस्तों फूड का जो टोटल खर्चा हुआ वो 2000 के अप्रोक्स हुआ। तो मैं होप करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आए तो यार इसको एक लाइक दे देना और कमेंट करके बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आप और भी कुछ पूछना चाहते हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, उसके ऊपर भी मैं आपको एक वीडियो बना के दिखाऊंगा। आप सब दुआ करो कि भाई कि जल्दी लॉकडाउन खुल जाए और हम पहाड़ों की तरफ रवाना हो, और आप लोगों को भी मैं लेके चलूंगा। दोस्तों आपको पता ही आपको क्या करना है, वीडियो अच्छी लगे तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, यहीं कहीं नीचे लाल कलर का बटन आ रहा होगा उसको प्रेस करके उसको ग्रे कर दो, और साथ में ये बेल नोटिफिकेशन का आइकन उसको भी प्रेस कर दो। राम राम भाई सारे भाइयों ने।